आप लोगों की काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। गाइस बेसिकली ये जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं UCIL की तरफ से आ रही है। गाइस ये जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी है, काफी डिपार्टमेंट है, यहाँ आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। गाइस आप लोग वीडियो को स्टॉप स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, तो आप लोग स्टार्टिंग की 1 मिनट तक वीडियो को भी कंटिन्यू करते हैं तो भी आप लोगों को आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप लोग फ्रेशर बिल्कुल स्टूडेंट एलिजिबल है, साथ में अगर आप इंडिया में कहीं से भी जॉब करते हैं आप लोग ऑल इंडिया आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है या फिर गाइस यहाँ पर 12th है आपकी क्वालिफिकेशन, या फिर अगर आपकी डिप्लोमा है, या अगर आप लोगों ने यहाँ पर ITI किया हुआ है तो ITI वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है, मतलब यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आने वाली है। और साथ में ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस ये कंपनी है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की तरफ से निकाली गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, काफी अच्छी वैकेंसी है। गाइस यहाँ आप लोग सभी स्टूडेंट एलिजिबल है और फॉर्म की सेलिंग वेट का जो वैकेंसी रहने वाला है 3 साल का आपको टाइम पीरियड रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 80 यहाँ पर नंबर ऑफ सीट रही है। इंटरमीडिएट आप लोग कैंडिडेट पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे जो डिप्लोमा स्टूडेंट है जिन्होंने इंटर कर रखा है तो वो इंटर से अप्लाई करना इस वैकेंसी के लिए, लेकिन जिन्होंने 10th कर रखा है तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, मतलब 10th से डिप्लोमा किया है तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना। गाइस 10th और 12th तो आप लोगों ने किया ही होगा तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ब्लास्टर का 2 साल का दे रखा है, यहाँ पर 20 पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वेल्डिंग का दे रखा है और यहाँ पर आप लोग इंजन यहाँ पर ड्राइवर का 2 साल का टाइम पीरियड रहेगा। 30 पोस्ट दे रखे इसके लिए 10th से ITI वाले जो किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, देखिए अगर आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 18 है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 दी गई है और आपको की इस डेट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, मतलब 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपको की डेट देखी जाएगी, आप लोग का सारा चीज देखा जाएगा। साथ में आप लोग को देखिए रिलैक्सेशन भी दिया जाता है और आप लोग कोई भी फीस वगैरह नहीं लगने वाली है, फ्री का फॉर्म है। साथ में यहाँ पर देखिए आप लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया गया है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और देखिए गाइस सिलेक्शन किस आधार पर होगा तो सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं गाइस आप लोग का यहाँ पर देखिए आप लोग का सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के आधार पर भी हो सकता है, इंटरव्यू के आधार पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है गाइस, अगर कम स्टूडेंट्स होते हैं तो आप लोग का इंटरव्यू के आधार पर भी हो सकता है। तो आप लोग का मेरिट लिस्ट इंटरव्यू या जिस भी तरीके से कर सकते हैं तो उसके आधार पर हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की क्वांटिटी क्या रहती है। अब गाइस देख सकते हैं आपको सैलरी वगैरह यहाँ पर दिया गया है, स्टाइपेंड क्या रहने वाला है वो दिया गया है। फर्स्ट ईयर में मतलब पहले साल में आप लोग का स्टाइपेंड रहेगा 7,000 के करीब रहेगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में आप लोग का यहाँ पर रहेगा 8,000 रहेगा और थर्ड ईयर में आप लोग का यहाँ पर 9,000 रहेगा। थोड़ा सैलरी कम है बट मैं आप लोग को बता दूंगा इस यहाँ पर आप लोग का बहुत मतलब वर्कलोड बहुत ही कम रहता है और साथ में आप लोग को 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप आई किस तरीके से करना है ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग की लोकेशन झारखंड रहने वाली है और झारखंड डिस्ट्रिक्ट से तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ आप लोग की अगर और रिलेटिव्स वगैरह है, जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज दिया गया है, अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह है तो आप लोग उनकी सोर्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ये चीज है। और गाइस इसी तरीके से आप लोग अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर अप्लाई कर देना। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।